चैप्टर है आप लोग का अनुपात। अनुपात और समानुपात दोनों अध्याय अलग अलग, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे एक ही पढ़ लें, झंझट पढ़ने से कोई मतलब है। अनुपात का मतलब है कि दो पदों के बीच का या दो से अधिक दो पदों के बीच का जो न्यूनतम भिन्न होता है या जो परिमेय संख्या होती है उसी को हम अनुपात कहते हैं। आप लोगों ने भिन्न पढ़ा होगा, भिन्न कर दे दिया जैसे 25/75। अब जब इसको जो न्यूनतम रूप होगा वही इसका अनुपात होता है, 25 1 25 25 72 माने 1:3। इसी को हम लिखते हैं 1:3 माने 1:3। पहले ये क्या था, अगर ये 25:75 था, इसको काट के हम क्या किए, न्यूनतम पदों क्या 25 1 25 25 ये हो गया 1:3। माने किसी भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। इससे आप परिमेय संख्या में भी पढ़े थे। तो अनुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का भी अनुपात हो सकता है। जैसे चाय बनानी है, समझते एकदम ईजी है, चाय बनानी है, चाय में क्या क्या डालते हैं, पाना दूध पानी चीनी, तीन बातों के मान लीजिए चाय पत्ती जो भी डालते हैं, नॉर्मल चाय बनानी है हमें, ठीक। तो दूध पानी चीनी चाय एक कप के लिए तो जितनी यूनिट होगी हमेशा सबकी मात्रा एक रखेंगे। अगर किलोग्राम में किलोग्राम, लीटर में लीटर, मीटर में मीटर, सेकंड में सेकंड, सबकी यूनिट एक होनी चाहिए, बस पहला शर्त। अब मान लीजिए 10 कप चाय बनाने के लिए अगर आपको सबको किलोग्राम में, तो पता चला ये हो गया 5:1:3:1। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया बनानी है, अगर 5 यूनिट पानी है, जैसे कप लेंगे, 5 कप दूध 1 कप पानी 3 कप चीनी 1 कप चाय पत्ती, ठीक। अब कितनी बड़ी, मैं रेशियो छोड़ नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब है चाय बनाने का अनुपात हो गया। अगर आपको 2 कप बनानी है तो गुणे 10 2 6, 5 कप बनानी है गुणे 5। मान लीजिए इसका जो न्यूनतम पद होता है, जिसका न्यूनतम पद होता है वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुपात, बस यही है। अब अनुपात को हम कुछ देर के लिए रोक के समानुपात खत्म कर देंगे। वैसे समानुपात अलग है अनुपात, लेकिन जो चैप्टर छोटा उसको खत्म करके बवाल खत्म करना है, या तो क्या अनुपात को ही आगे बढ़ा दें। अब अगर यही दे दे, ठीक है, थोड़ा समझ आगे। अनुपात क्या है, अनुपात का मतलब न्यूनतम भिन्न, क्या है, न्यूनतम भिन्न। अब प्रश्न एग्जाम में जो पूछता है उसी को ध्यान कर लेते हैं। पहले 5 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, 5 किलोग्राम और 500 ग्राम का अनुपात क्या होगा, माने 5 kg ratio 500 ग्राम। अब यूनिट सेम नहीं है, या तो इसको भी किलोग्राम में बदलो या तो इसको ग्राम में बदलो, तो इसको दो तरह से लगा सकते हैं। अगर इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 kg/500/1000, ये हो गया kg, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 5 से काटेंगे, ये 2 0 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हो जाएगा 1:1। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, फिर इसको ये भिन्न हो गया, ये जब भिन्न में अनुपात होता है तो इसे क्या करते हैं, हर समान इसे भिन्न में जोड़ घटाना जोड़ते थे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 10 आएगा, 1 दहा में 10, तो 1 दहा में हर बराबर, हर छूट जाए कैसे, ये हर क्या हो गया। अगर इसको अलग से लिखते तो होता 10/10 1/10 10 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
अनुपात। तो ये हो गया आपका अनुपात रेशियो। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता जैसे 12 केजी अनुपात 28 केजी। अब दोनों केजी केजी में है, बिरादरी समान, केजी केजी कट गया, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 28, 3 × 7। ठीक, अगर बटे में था तो ये है, तो ये हो गया दो अनुपात को बदलना। कभी कभी सीधा प्रश्न आ जाता है एक नंबर में कि 1/3 / 2/5 / 4/3 को अनुपातिक पदों में व्यक्त करें। तो कहेंगे तो पहले से अनुपात दिख रहा है, आप तो कह सकते हैं ना ये तो पहले से ही अनुपात दिख रहा है, तब कौन सा अनुपात बदलना है? नहीं, जब अनुपात व्यक्त करते हैं तो P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा दिया, पहले बता दिया
अनुपात सदैव न्यूनतम पद में होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबका हर समान करेंगे। जैसे आप लोग जोड़ घटाना भिन्नों का पढ़े थे, तो या तो बड़ा भिन्न छोटा भिन्न ज्ञात करें तरीका, इसका भी ट्रिक है, मैंने यूट्यूब पर डाला, देख लीजिएगा। कोई भिन्न अगर आपको छोटी या बड़ी निकालने हो, चंद सेकंड में आप पकड़ लेंगे बिना पेन उठाए, क्योंकि ना मैं सूत्र पढ़ता हूँ ना सूत्र पढ़ाता हूँ, क्योंकि याद करने की उम्र खत्म हो गई। बचपन में याद करते थे, दिन भर किताब लेकर रट्टा मारते थे खिड़की के पास बैठ के, कि कल सजी मारेंगे सुनाना है, याद के सुनाना था नहीं, याद तो खुद पढ़ना है, इतना ज्यादा प्रेशर है। तब तो एक किताब पढ़ते थे कच्चा सा, कि वो साल भर बाद परीक्षा होती थी। आज 3 घंटे में खत्म करो, नहीं सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कल एलसीएम लेंगे, तो 5 × 5 का एलसीएम होगा 15। अब जब 2 अभाज्य संख्याएं हो, उनका अगर एलसीएम निकाल लो, आपस में गुणा कर दिया करिए, कापी कलम सही बच जाएगी, 5 × 3 = 15। अब क्या करते हैं, हर में हर से ही भाग देते हैं अंश समान करने के लिए, तो 3 से भाग देंगे 15 में 5 जाएगा, तो 5, फिर 5 से देंगे 3 = 5, तो अनुपात का ठीक है, मैं एक समझ ले, कोई बात नहीं, 5 या 15, 3 × 6 भाई डांटिए ना, 3 बजे 15, 4 बजे 20, तो नया अनुपात मिला 6 × 5 = 6 = 20। अब देखिए कहीं और कट के छोटा तो नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, इसका अनुपातिक पद 1/3 / 2/5 / 4/3 का अनुपातिक पद क्या हो गया, 5 / 6 = 20। बस काम खत्म। अब इस पे सवाल लगवा देंगे हम, ये हो गया। अब इसमें छोटे छोटे सवाल जो आते हैं वो बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पाते हैं। हो गया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत तेज पढ़ाते हैं, हाँ मैराथन गणित ही पढ़ाते हैं हम। अब जैसे दे दिया कि यदि a अनुपाते b बराबर 4/3 हो, तो यदि प्रश्न दे दिया a अनुपाते b बराबर 4/3 हो, तो प्रश्न पूछ दिया, प्रश्न जो भी बता दे आप, 2a + 3b = 4a + b - b का मान होगा, कुछ नहीं, क्या दिया, यदि a = 4:3 मतलब 1/b = 4/3 हो, तो फला का मान ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है इसको, ऐसे तो सूत्र से लगाया जाता है दूसरे तरीके से। जब इसका मतलब ये होता है a/b = a/b और 4/3 = 4/3, कह रहा दोनों बराबर है, तो a = 4 और b = 3, या ऐसा ऐसा कुछ करना थोड़ी ना। अब क्या है, अब जहां जहां a है, a फॉर एप्पल, वहां रख देंगे a फॉर एप्पल का मान, जहां b फॉर बाल है, b फॉर बाल का मान रख देंगे। ये दो पदों के बीच में कोई चार अचर के बीच में कोई चिन्ह दिया सदैव गुणा माना जाता है। तो सीधा सीधा 4 × 8 = 9 अनुपाते 4a है, साल मत करिए, यही 4 × 4 - 3 9 × 8 = 16 × 3 = 13 / 17 ठीक, 17 / 13 भैया गलती हो गई, माफ करिएगा। तो ये इसका मान निकल गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, निकल गई, समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते चले, अगर आपको समझ में आए तो लिखते चलिए, क्योंकि इसी समय इसी की जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछेगा एक नंबर डायरेक्ट, जिसका हो गया अगला क्वेश्चन हो जाए। यदि a अनुपाते b की जगह हम ये प्रयोग कर दे a = 4/3b हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों का मान क्या होगा, कुछ नहीं कर रहे, मैंने प्रश्न क्या दिया, यदि a = 4/3b हो, तो इसका मान ज्ञात करिए। तो प्रश्न क्या दिया है, 2a + 3b कोष्टक पैक अनुपाते 4a - कुछ नहीं करना, उत्तर वही आएगा, कैसे, ये भी गुणे में है, इधर लाएंगे तो बटे में, ये हो जाएगा a/b = 4/3 अर्थात a/b = 4/3, उत्तर वही है। क्वेश्चन क्या किया, खाली घुमा दिया, कुछ किया नहीं, क्वेश्चन मैंने साफ साफ लिखा था, यदि a/b = 4/3 हो, तो कितना मान याद करिए। अब क्या किया, वो कुछ नहीं किया, एक परिवर्तन कर दिया, यदि a = 4/3 हो, तो निम्नलिखित का मान याद करिए। अब समझ नहीं आया तो अनुपात में लिया ही नहीं है, प्रश्न ये उठा कि अनुपात में दिया नहीं है, कुछ नहीं करना है, यदि इधर गुणे में इधर आएगा तो a/b = 4/3, a/b = 4/3, a = 4 और b = बस मान रख दीजिए, पुनः वही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, केवल गुमराह करने, घुमाने के लिए देता है, कभी एक उधर पलट देगा, बी उधर पलट देगा, तो बस आपको क्या करना है, एक बिरादरी एक तरफ। ठीक, समझ आ गया, ये दो टाइप प्रश्न के लिए। फिर एक प्रश्न आता है क्या, यदि किन्हीं 2 अनुपातों में यदि 5 जोड़ दिया जाए, अभी प्रश्न बोले रुक जाइए, उसको लास्ट में तो मीजिए,
अनुपात में इतना जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या होती है, इतना हो जाती है, तो कैसे लगाते उसको भी देख लीजिएगा। ये हो गया, अभी तो सवाल से लगवाएंगे तो भी नॉर्मली समझा दे रहे ताकि आपको सवाल में ये नौ कैसे लगाते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और पूछता है इसमें, यदि ए अनुपात बी बराबर करो क्या सात अनुपात आठ हो तथा बी अनुपात सी बराबर, आप बताइए। सवाल आप ही लोग बताएंगे ना, क्या हो कुछ भी बताइए, उत्तर तो हम ला देंगे। हाँ, चार अनुपात तीन हो, चार अनुपात तीन हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। यदि ए अनुपात बी बराबर सात अनुपात आठ हो और बी अनुपात सी बराबर चार अनुपात तीन हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। एक प्रश्न और बना देते हैं, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक, एक प्रश्न और बना देंगे, ए अनुपात सी का मान, दोनों प्रश्न एक साथ पढ़ लेते, समय बचाना है, मैराथन घड़ी से। तो क्या करेंगे, अब जब ए अनुपात बी अनुपात सी बनेगा, ठीक, तो इसको सीखेंगे हम लोग एक तो यन, यन क्या होता है देख लीजिएगा, लिखेंगे पहले ए अनुपात बी, बी के नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी। कभी कभी प्रश्न को पलटी करके देता है कि ए अनुपात बी बराबर इतना है, ए अनुपात सी बराबर इतना और सी अनुपात डी बराबर इतना, मतलब जिस पद की दो बार पुनरावृत्ति होती है वो उसके ठीक नीचे आ जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें इसका माने यन बना देंगे। कहने का मतलब अब ये निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए बी अनुपात बी बी अनुपात बी सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उत्तर को, अब ये ऐसे लिख देंगे सात अनुपात आठ चार अनुपात, बस सीधा सीधा सात चौक आठ चौक आठ त्रिक, अभी कट के छोटा होगा चार से, चार से चार सत्य अट्ठाईस चार अठे बत्तीस चार सर, तो ये हो गया ए अनुपात बी बराबर सात अनुपात आठ अनुपात छ। लेकिन अगर पूछता ए अनुपात सी क्या होगा, सात अनुपात छ। लेकिन अगर खाली ए सी पूछ दिया, इतना प्रक्रिया मत करिए, अगर डायरेक्ट पूछा है कि ए बटे सी का मान या ए अनुपात सी क्या होगा, तो कुछ मत करिए, जो प्रश्न दिया है ए बी गुणे बी सी बी बीच कड़े क्या बचा ए सी माने ए अनुपात सी बचा। क्या करना, इतना पद्धति लगा के लोग एसी निकालते हैं, लेकिन अगर आपको एसी डायरेक्ट निकालना हो, अगर प्रश्न दे दिया ए अनुपात सी क्या होगा, कुछ मत करिए, ए बटे बी गुणे बी बटे, देखिए बी बीच कैंसिल बता क्या ए बटा सी, माने राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड, तो निकाल दीजिए। देखिए सात बटे आठ गुणे चार बटे चार एक का चार चार दूनी आठ सात बटे छह सात अनुपात छह लिखे आया है आ गया। तो चाहे एसी यहां से निकाले चाहे एसी, बस ये दोनों समझ लीजिए, एक चरण आओ खत्म, दो कुछ क्वेश्चन आओ बता देंगे अनुपात आज खत्म। एक आधा चिल्लर पे इतना इतना नोट रखा है, अलग याद रखो, ठीक। फिर अब ये तीन मजदूर एबीसी को इतना पैसा मिलता है, यदि राम को इतना अधिक मिलता है शाम कितना मिलेगा, तुरंत लग जाएगा बिना पेन उठाए, स्याही खर्चा करो पेन खर्चा करो, पर्यावरण पढ़ते हैं हम लोग और खर्चा पहले करते हैं। अच्छा तो फिर यही तो क्वालिटी है मेरी, यही गुडविल है। अब इसी पे सवाल लगते हैं, इसी पे एक सवाल लगा दीजिए, देखिए काम से क्लियर हो जाएगा। अभी कभी कभी सीधे देते हैं, यही सेम क्वेश्चन सवाल पे लगा देते हैं, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, राम और श्याम के वेतन का अनुपात, राम और श्याम के वेतन का अनुपात, राम और श्याम के वेतन का अनुपात, राम और श्याम के वेतन का अनुपात सात अनुपात आठ है। सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं, राम और श्याम के वेतन का अनुपात सात अनुपात आठ है तथा तथा श्याम और मोहन के वेतन का अनुपात, श्याम और मोहन के, पहले राम और श्याम के वेतन का अनुपात सात अनुपात आठ है तथा श्याम और मोहन के वेतन का अनुपात चार अनुपात तीन है, चार अनुपात तीन है, चार अनुपात तीन है, चार अनुपात तीन है, तो और उन तीनों की कुल मासिक वेतन का योग कितना बोल दे, 9261 रुपया है। अरे कटना भी चाहिए ना, 9261 रुपया। तो श्याम का वेतन कितना है, श्याम का मासिक वेतन कितना है,
तो श्याम का मासिक वेतन कितना है? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, तब इसको लगाइएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, तो दूध पानी कब से कह रहे थे लिख लीजिएगा। 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, बस छोटा करेंगे फिर बड़ा करेंगे, 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो, 4:1 हो, 4:1 हो, 4:1 हो, तो इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा अलग अलग बताएं। 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो तो दूध और पानी की अलग अलग मात्रा बताएं। अभी उनका भी लगवा देंगे, इसी में निकाल के मिलवा देंगे पानी। अगला क्वेश्चन एक लिख लीजिए, बस 3 साल बेटा ही कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन बोलेगा कौन, क्वेश्चन बोलेगा कौन, आप ही लोग से बुलवाएंगे। राम लिखिएगा, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन हो गया, चलिए कल्लू मकल्लू होना चाहिए, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन के आयु का अनुपात क्रमशः मासिक आयु का अनुपात क्रमशः, मासिक आयु का अनुपात क्रमशः कौन बोलेगा अनुपात, जल्दी बोलिए अनुपात, बोलिए कोई 4:5:6 है, 4:5:6 है। यदि तीनों के कुल मासिक आय 33,750 रुपया हो, 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 तो तीनों की आय क्रम से अलग अलग क्या होगी, या राम की आय क्या होगी, किसी का निकाल दीजिए आप, तो राम श्याम की आय क्या होगी या तीनों की आय क्या होगी, ठीक। अब इसको उल्टा लगाना शुरू करेंगे, अरे क्वेश्चन मिटाना नहीं था, चलिए मिटाएंगे नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3, एक तो तीन दो मने ही रहे, राम श्याम तीनों की जो आय का जो अनुपात था वो कितना था पता है, इन्होंने बोल दिया था 4:5:6, माने तीनों मिला मिल के 4:5:6 के अनुपात में पैसा कमाते थे, माने कुल पैसा कितना कमाते थे अनुपात में, तीनों मिला मिल के कुल पैसा कितना कमाते थे, देखिए इसे कहते हैं सम ऑफ द रेशियो, माने अनुपाती योग, क्या होगा 5:9:6, माने तीनों मिलकर, जैसे अगर अगर 24 रुपया दर्जन केला हो तो एक केला कितने का, कैसे पता, 24 में 12 से भाग दे दिए, वैसे माने 4, 5, 9, 6, 15 यूनिट मिलकर कितना कमाते हैं, 33,750 कितना था, 33,750 कमाते हैं, तो क्या करेंगे, कुल तीनों मिल कितना कमाते हैं, 33,750 रुपया, अनुपातियों कितना है, अब देखिए बूढ़े ये निकलेगा अनुपात 1, ध्यान समझिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन बनाएंगे भाई, 5 क्वेश्चन, पांच में कैसे बनेगा देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे अनुपाती योग बटे में और टोटल धन लिखेंगे, धन कितना है, तो 33,750 रुपया कुल धन हो गया बटे अनुपाती, अब जिसका हिस्सा पूछेगा उसका गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब निकलेगी 1 यूनिट, अगर राम का हिस्सा पूछा तो राम का अनुपात कितना है, बूढ़े 4, अगर श्याम का हिस्सा पूछता तो बूढ़े 5, यदि मोहन का हिस्सा पूछता तो बूढ़े, तीनों का तीनों में दिया 33,750, ठीक, लेकिन अगर यह पूछ देता राम और मोहन या राम और श्याम के धन में अंतर कितना है, तब एक काम करते हम लोग, निकालने के बाद घटाते, ऐसा नहीं करना है, करना क्या है, अगर राम और श्याम के धन का अंतर पूछा है तो उनका अनुपाती अंतर कितना है, 1, तो बूढ़े 1, बूढ़े क्या करे, झमेला पालेंगे पर इनका निकाले, इनका निकाले, पर्यावरण बचाओ कलम बचाओ, चाहिए अगर पूछ दिया राम और मोहन के अनुपात का आय का अंतर, इनका जो अंतर है अनुपात का अंतर 2 × 2 कर देंगे, क्या करे झंझट पालेंगे उत्तर, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन साल होते हैं, हमें क्या करना, कुल धन में हमेशा याद रखिएगा दिए गए धन में क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, अब भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा जिसका पूछेगा उससे गुणा कर देंगे, अपने आप पैसा बाहर आएगा, चाहे दूध हो चाहे पानी, आगे क्लियर हुआ। चलिए अगला दूध पानी उत्तर बता दीजिए,
बस आगे आ दो। प्रोसेस बताइए। हाँ, ये तो हो गया ना प्रोसेस। दूध वाले में 10 लीटर है, अनुपात योग 5 है, 5 से भाग दीजिए, गुड़े 1 करेंगे पानी, 2 करेंगे दूध। हाँ जुटाई जो ना है। अब पहला क्वेश्चन लगाइए, लगा के छोड़ा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कहता है राम और श्याम और फिर श्याम और मोहन, जब किसी व्यक्ति की 2 बार अनुपात में गणना करे, हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? यही इनको बीच में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 अनुपात 3, 7 अनुपात 8, 4 अनुपात 1, 2 अनुपात 3 का मान आएगा, माने राम अनुपात 7 अनुपात मोहन, 7 अनुपात 8 अनुपात अनुपात योग से कितना था? 9261 में भाग देंगे, जिसका हिस्सा पूछेगा उसके हिस्से से गुणा कर देंगे उत्तर। ठीक, समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट हो, जिसको भी कोई डाउट हो पूछ सकता है। हा? बस भाई भाई आप लोग याद देंगे तब तो। आप लोग को इसे बदनाम के बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो अब इजाजत दीजिए, आज्ञा करिए, हम आगे बढ़े। पहला वाला कह रहा है, यदि राम और श्याम के आज का अनुपात 7:8, श्याम और मोहन का अनुपात 4:3, जब किसी व्यक्ति की 2 बार काउंटिंग की जाए, इसमें दिख रहे 4 मनई और नाम दिया 3 मनई का, तो क्या करेंगे? अनुपात बी अनुपात सी का रूल लगाएंगे, यही यन बनाएंगे, जब यन बनाएंगे तो यही आएगा, फिर मिलेगा 7:8, 8:6, फिर अनुपात योग 8, 7, 15, 6, 21, फिर 9261 में 21 से भाग देंगे, अगर पहले किस्सा पूछेगा गुणे सा, दूसरे का पूछेगा गुणे 8, तीसरे का पूछेगा गुणे 6, अंतर पूछेगा तो अंतर का गुणा, और ये 21 का घन दिए थे हमको याद था, 9261 21 का घन है, कट जाएगा आसानी से। तभी कहते सवाल आप बोलिए, बाकी आगे काम हम कर लेंगे। हो गया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब पता नहीं कैसा दूध पानी मिला रहे थे, बताइए भैया आपका क्वेश्चन बोल दे। ये हो गया, आगे बढ़े ना, चलिए। सी वही लेकिन उल्टा इसलिए लाए कि अनुपात बी अनुपात सी था, इसलिए उल्टा लेते हुए, ताकि आपको बताने मेहनत, अगर वो पहले बताते तो मेहनत ज्यादा करवाते आप, लेकिन उल्टा लेकर आए, क्या हुआ? चलिए आप बोलिए, क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन बोलिए। अच्छा हमें बनाना पड़ेगा, बना बना लाए हैं यार। हाँ चलिए क्वेश्चन बनिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्या ऊपर पहला वाला जिससे हमने लगाया था पूरा लास्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी वाला, तो ऐसे यहाँ यन बनाएंगे से, मैंने हाल ही नहीं किया वही क्वेश्चन है लास्ट वाला, लास्ट उत्तर आएगा आपका 7:8, 8:6 राम श्याम मोहन का आ गया, और उसी का जोड़ देंगे 8, 7, 15, 6, 21, तो 9261 में 21 से भाग देंगे, 7 से गुणा करें राम का हिस्सा, 8 से गुणा करेंगे राम का हिस्सा, 6 से गुणा करेंगे मोहन का हिस्सा। भैया क्वेश्चन कब से अलग करते बोलने के लिए, हम क्या बोल दें? यादव जी वाला क्वेश्चन है, बुरा नाम है आप लोग। हाँ, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, तो तेज लिखिएगा, सवाल भी तेज लिखा करिए आप लोग। 40 लीटर शॉर्टकट मारिए, दूध को यम मारिए, मिल्क हो गया, पानी को बांटा डब्लू, काम चला लिया करिए। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात माने यम अनुपात डब्लू शॉर्टकट, दूध और पानी का अनुपात 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यदि उसमें पानी मिलवा दे, यदि उसमें
दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि उसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात, कितना हो जाएगा? यह क्वेश्चन लगवा दी, इसमें 5 क्वेश्चन लगवा देंगे, 4 क्वेश्चन कम से कम। खूब बारीकी से समझिए, एकदम कुछ भी नहीं है इसमें, कब से सब परेशान है। प्रियंका जी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम आराम से समझाएंगे। हमने प्रश्न क्या लिखा कि यदि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में कुछ हिस्सा दूध का है, कुछ हिस्सा पानी का अनुपात है, तो हमने एक बात और सीखी कि दूध और पानी ध्यान के द्वारा तो करना नहीं है, अलग अलग हिस्सा निकालना है। तो एक बात पहले देख लें, देखिए मिल्क अनुपात वाटर बराबर 4:1 है, और दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है, 40 हमने लिखा, 40 ध्यान दीजिएगा आप लोग, 40। उसके बाद हमने क्या सीखा था, अनुपाती से भाग देंगे, अगर 4 और 1 क्या हो गया, 5 से भाग दिया, गुणे, अगर 4 करेंगे तो मलाई निकलेगी और डब्लूस करेंगे तो पानी निकलेगा, ठीक। अगर गुणे हमने 4 कर दिया, देखिए 5 × 5 = 5, 8 = 32 लीटर मिल्क वाटर निकालना है, तो 40/5 × 1 माने 8 लीटर वाटर, पानी 8 लीटर था, दूध अब इन्होंने कह दिया उसने ग्वाला था भाई, दूध बहन दूध दाम बढ़ाना था, तो दाम ना बढ़ा के पानी बढ़ा दो, तो उसने किया क्या कि हम जानते हैं ये मिल्क अनुपात डब्लू था, माने एम अनुपात डब्लू माने दूध अनुपात पानी, तो दूध अनुपात पानी बराबर कितना था, 32/8 माने उस मिश्रण में, ध्यान दीजिएगा, उस 40 लीटर मिश्रण में 32 लीटर दूध और 8 लीटर पानी था, कंफर्म। अब वो कह रहे भाई साहब यादव जी कि भैया रेट बढ़ रहा है दूध का, दूध नहीं बढ़ा रहे, तो क्या कर रहे, इसमें पानी बढ़ा दिया, इसमें क्या बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया। जब पानी बढ़ा दिए, ध्यान दीजिए कुछ किया नहीं उन्होंने, क्या किया उसमें, पानी बढ़ा दिया, अब कुछ करना थोड़ी ना, अब लिख दीजिए दूध उतना है, पानी इतना हो गया, ध्यान दीजिएगा पानी बढ़ा, देखिए पानी पानी जोड़े हैं, अगर पानी बढ़ा तो पानी पानी हो गया 32/16 = 16 × 32 2/2 = 2:1। अब नया अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, कुछ किया उन, कुछ नहीं किया, दूध पानी निकालो, पानी का पानी मिलाओ, दूध निकाल दूध मिलाओ। अगर ये कहता भैया एक 2 लीटर पानी निकाल के 4 लीटर मिला लिए, तो -2 + 4। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कहानी खत्म। हम लोग दिमाग लगाते हैं, सूत्र से पढ़ेंगे, गणित पढ़ चुके, सूत्र से पढ़े, उम्र सूत्र याद करने की है, सब सूत्र बचपन में याद करते थे, हाई स्कूल में इंटर में, sin²θ + cos²θ = 1 / tan²θ, पता नहीं क्या क्या था सर, अरे नहीं पढ़ा रहे। अच्छा आगे देखिए, एक क्वेश्चन इसी बात, यही क्वेश्चन बोले, सेम क्वेश्चन लिखिएगा, 40 लीटर सेम क्वेश्चन, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात माने यम अनुपात है डब्लू, दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो, उस मिश्रण में कितना पानी और मिला देगी, अब नया अनुपात, अब नया अनुपात 2:1 हो जाए, जो अब उत्तर लाए थे, 2:1 हो जाए तो पानी मिला, तो बताइए कितना पानी और मिलाएगा। प्रोसेस सेम ही है, कुछ करना थोड़ी ना, देखिए क्या करना है, देखिए यही लगा लगाया, इसलिए बता दिया आपको। क्वेश्चन आएगा कहेंगे मैं तो सर जी पढ़ाए नहीं थे, तो हर क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता, कुछ का यूज किया था दिमाग का, आज तो भाई प्रभात कौशली है, मंद बुद्धि वाला क्या, हम लोग जुगाड़ खोजते हैं, आलसी और मंद बुद्धि वाले क्या खोजते हैं, जुगाड़, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए सब जुगाड़ आदमी खोजते हैं। अब पहले काम तो यही करेंगे, पहले अनुपात लिख देंगे, पानी और दूध का अनुपात क्या दिया है, 4:1, फिर हम अलग अलग निकालेंगे भैया कितना पानी कितना दूध है, तो पता चला कुल योग में अनुपात योग से भाग दिए, 40 में 4 × 1 = 5 से भाग दिए, तो यही निकला 32 लीटर पानी 8 लीटर दूध, याद क्लियर हो गया। अब आ गया, अब इस लड़ाई को छोड़ देंगे, अब इधर सामने चलेंगे।
यहाँ तक तो सेम साल करेंगे, दूध और पानी निकाल लिए ठीक। अब आगे देख लीजिएगा, अब कह रहा है कि 32 लीटर दूध है 8 लीटर पानी, पता नहीं कितना पानी मिला है। तो भाई ग्वाल दुधारा जाने कितना पानी मिलाया, हम गणित वाले हैं, माना यक्ष मिलाया हम लोग, काम क्या है माना यक्ष। अब कितना अनुपात हो गया, 1:3 का गुट, यही हो गया 2:1। अब हो गया 2:1 गुना कर दी यक्ष की वैल्यू आ गई, काम खत्म। अब तो आप काम है ना, अब क्या होगा त्रिया का गुणा, तो 32 × 1 = 32 और 8 × 2 = 16 प्लस 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 32 में से 16 गया 16 बराबर 2 बराबर 8 ठीक, क्या करेंगे 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 32 − 16 बराबर 2 तो 2 बराबर 16 बराबर 10 काट देते हैं, क्या करें अंश बराबर गुणा, हाँ अच्छा ऊपर काट देते 2 × 1, अरे चलिए काम भूल हो गई, अब 2 × 1 = 16 = 8 उसमें जो बाला ने पाली मिलाया था कितना मिलाया था 8। यही काम दूध के साथ करता, दूध कर दीजिए अनुपात पूछेगा, ये अनुपात दिया तो। और कौन कोई सवाल मन में आया तो बताए, हम बता दे, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे, वैसे से लास्ट टाइम पढ़िए गणित, ये हुआ हाँ? क्या हुआ? अब चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी सर। यहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं है ना, चलिए तो अब क्वेश्चन और बोलेगे बस कर इस पे, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस सेट पे दिया है, चलिए।